हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नए शुरुआत के साथ। मेरी ब्लॉग की शुरुआत हुई मॉर्निंग से और मैं भी धो रही थी यहाँ पे कपड़े, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग शुरू कर दिया जाए। तो और मैं भी कपड़े धो रही हूँ। बाकी ये देख सकते हो हमारी तोर है ये, जो कि इस वाले खेत में हुई है, किनारे किनारे लगी हुई थी। और आलू भी लगा दिया हमने मतलब सासू जी ने। और यहाँ पे पालक और राई भी बो रखी है। बाकी ये देखो गेहत लेके आई मैं अपने मायके से। चलो ये तो साफ दिख रही है, मम्मी ने कहा कि साफ नहीं है, ढंग से साफ करना इनको, क्योंकि जैसे इनको कूटा ना तुरंत उसके बाद मम्मी ने फटाफट से साफ वगैरह किया थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा। बाकी बोला कि वहीं कर लेना साफ, लो कर लेंगे। ये बार डाल रखे हैं गेहूँ भी ख़राब हो चुके हैं, ये भाई गाय के काम आने वाले हैं। बाकी इतने कपड़े मैंने धो दिए हैं और बाकी धोने के लिए हैं, ठीक है। चलो फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दगड़ियों इन दोनों को देखना, खा रहे लड्डू। कैसे हो रहा खाना? कैसे हो रहा है? गुड। और मैं खा रही हूँ अमरुद। इसमें मुझे एक सरप्राइज मिला था, इसमें मुझे सरप्राइज ले मिला। तो गाइस यहाँ पे खेल रहे काना लोग, ये देखो हेलो करो ये। तो काना लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, और काना की तबीयत ठीक नहीं, उसको बुखार आ रही है, तो उसके लिए मुझे और दिखाती मैं आपको क्या क्या हो रहा है। हेरा किचन और पानी गर्म हो रहा है मेरा, पानी तो गर्म हो चुका है, खिचड़ी बनाते हैं इसके लिए फटाफट। बाकी मैं बनाने कड़ी बनाने वाली हूँ मैं, कड़ी चावल। तो पहले खिचड़ी बना देते हैं फटाफट से, उसके बाद खाते हैं, उसके बाद बनाएंगे कड़ी चावल, ठीक है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, 5 बज चुके हैं, और मैं ना आज ब्लॉग भी नहीं बनाया, देखती हूँ अब क्या क्या बनाऊँ ब्लॉग में। बाकी जो ये हमारे घर से गहत आए थे, सासू जी ने साफ वगैरह कर दिए हैं, तो इनका बनाएंगे हम फाड़ो। फाड़ कैसे बनते हैं वो भी बताएंगे आपको, पहले तो आप लोगों ने भी खाया होगा फाड़ो। तो गाइस इतने सारे कपड़े थे ना, तो मैंने कपड़े वगैरह धोए और चादर वगैरह थी वो धोए, और अभी भी मैं चादर धो के आ रही हूँ। बाकी घर का काम ये होता है, खाना खोना, किचन सफाई, ये सो बर्तन धो, तो उसी में लगी थी, अभी जाकर फ्री हुई हूँ। और देखते हैं आज सब्जी किसकी बनाते हैं, मुझे तो लग रहा है राखी की बनाएंगे। बाकी मैंने आपको दिखाई नहीं थी ना हमारे घर से आ रखी थी क्या दाल की पकौड़ी, देखो कल आई थी, मैं तो कल ही बनाई थी सुबह मॉर्निंग में, मेरी दाल की पकौड़ी बहुत टेस्टी हो रही है, आना कभी हमारे घर। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ नीचे चक्की में, और चीनी भी लानी है मुझे, तो चीनी भी लाऊंगी, और ये थैला भी, मतलब ये गेहूँ है जो पिसवाने दे दूँगी। और अभी जा रही हूँ नीचे, और ना देवप्रयाग में भी मुझे सुबह शाम में थोड़ा बहुत ठंड तो लग ही रही है, महसूस हो रही है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी चलो रास्ते कुछ इस तरह से हैं, और यहाँ पे देखो पानी ही पानी हो रखा है, फिसलने का डर है। बाकी नीचे मेन रोड है जहाँ से गाड़ी आ रही है। तो गाइस अभी बना रही हूँ मैं लौकी की सब्जी, देखो इसमें मैंने काटा थी हरी मिर्ची, और
और ये है घर की लौकी, जो कि बहुत टेस्ट होते हैं घर की लौकी। गाइस ये देखो, अभी हमने वहाँ ऊपर से निकाला इतना बड़ा बैग, और इसमें है कान्हा के छोटे छोटे कपड़े। कान्हा अपने कपड़े दिखाओ, नहीं थोड़े बड़े हैं। ये देखो कान्हा का छोटे छोटे कपड़े। अरे ये बाल भुल्ली का है, भुल्ली का है। कर दूंगी करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों को की रक्षा करना। जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी, एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवियों से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली, और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में मैं आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा बोले, संपत्ति धरी आवे।
के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों को की रक्षा करना। जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी, एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली और उस पतिव्रता ने अब आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांध कर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में मैं आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। क्या करवा बोली, अष्ट भुजा माता तेरी, तेरी की सवारी।
गाइस अभी हमने खाना वगैरह भी खा लिया है और अब आगे मैं अपने रूम पे, तो यहाँ पे देखो रजाई की चट्टे लगे हैं, ये सुखाने के लिए डाली थी क्योंकि शर्द मतलब ठंडा ठंडा होने लग गया ना, तो इसलिए हमने रजाई वगैरह सुखाने के लिए डाल दी थी बाहर, और कल भी सुखाएंगे इनको, फिर इनमें जो इनका कवर वगैरह है वो डालेंगे, तब जाके इनको लेंगे क्योंकि ठंडा भी होने लगे। यहाँ ऊपर देखो, यहाँ नीचे देखो, मतलब ठंडा लग रहा है मुझे, फिर भी मैंने फ़ैन चला रखा, मतलब जब तक मैं पंखे की आवाज़ ना सुनूँ ना घूँ 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 वाली, तो मुझे नींद ही नहीं आती तब तक, सॉरी। और नीचे तो मैंने खैर कंबल ले रखा है, और मुझे जो करवा चौथ के लिए मैं यहाँ आई थी कल, तो मुझे ना बहुत सारों ने रोका था कि अभी मत जा, अभी मत जा, करवा चौथ पे यहीं रह ले, यहीं रह ले भाभी चाची सब ने बोला, तो मैं नहीं रोक पाई क्योंकि मुझे यहाँ आना भी ज़रूरी था, तो मैंने उन्होंने मेरे को वीडियो शेयर की है, तो उस वीडियो को मैं आप तक पहुँचाने का कष्ट करूँगी, कष्ट क्या मैं आप तक पहुँचाऊँगी और आप कष्ट करोगे थोड़ा सा मेरी वीडियो को देखने का, ठीक है? तो मेरी वीडियो ज़रूर देखें और शेयर भी कीजिए, और मतलब जल्दी जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दो यार, क्योंकि चाखू लग गई चाखू, और मुझे ना ये मतलब ये लग गया है कि मुझे करना है तो करना है, मुझे यूट्यूब पे करना ही है। पहले मेरा ये था यार कि छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे नॉर्मली ना जैसे वीडियो बना देते शेयर कर देते, इतना वो नहीं था कि यार कि कुछ करूँगी ये सो अपनी मेमोरी शेयर करने के लिए, बट अब ऐसा नहीं है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यूट्यूब से ही कमाना पड़ेगा, यूट्यूब से ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक ज़रिया ही है अब ये पैसे कमाने का, मतलब पैसे कम पैसे आए या ना आए उससे मुझे सच में कोई भी मतलब नहीं है, बट ये है कि यार इंसान जो मैं बना रही थी मेहनत करी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, भले पैसा ना मिले बट मोनेटाइज हो जाए या अच्छा खासा चले तो सही है, उसके पैसे भी नहीं मिले ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मिल भी जाए तो अच्छी बात है और ना भी मिले तो भी अच्छी बात है। बाकी मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? फिर मिलते हैं आपको ऐसे नए ब्लॉग के साथ, और वैसे तो आजकल मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है क्योंकि बहुत सारा काम वगैरह पड़ा है, और यहाँ दिखाना भी क्या है आपको, त्याड़ों में ये था कि कहीं चले जाइए सो वगैरह वगैरह, यहाँ तो बस घर पे रहो घर के काम करो, तो आप परेशान हो जाते फिर एक ही चीज़ देख के, अच्छा भी नहीं लगता कि एक ही चीज़ का ब्लॉग बनाओ मुझे, और दिखाऊंगी ऐसे कल क्या क्या करती हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।